गलत दिशा में लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को 3 माह का कठोर कारावास। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मनासा की विशेष खबर। जी हां, विशाल जेठवा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनासा द्वारा गलत दिशा में लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए टक्कर मारकर आहत के पैर पर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी गंगाराम पिता रायसी रावत उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम मोया तहसील मनासा जिला नीमच को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 338 के अंतर्गत 3 माह के कठोर कारावास एवं ₹300 जुर्माने से दंडित किया। अरविंद सिंह एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 4 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 23/1/2018 को शाम के लगभग 6 बजे मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हासपुर स्थित हनुमान मंदिर के सामने के आम रोड की है। फरियादी गोपाल व आहत घनश्याम सुतार दोनों मोटरसाइकिल से काम पर से वापस आ रहे थे कि हनुमान मंदिर के सामने स्थित आम रोड पर आरोपी गलत दिशा में तेज गति व लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए लाया और फरियादी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस कारण फरियादी व आहत दोनों गिर गए तथा जिसके कारण घनश्याम के दाएं पैर व नाक की हड्डी टूट गई। इसके पश्चात फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में लेखबद्ध कराई गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 51/2018 धारा 279 338 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत फरियादी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेकर शेष आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत व फरियादी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 338 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 3 माह के कठोर कारावास व ₹300 जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह एडीपीओ द्वारा की गई। मनासा क्षेत्र की खबरों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।